बालाघाट के बड़े बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। इससे पहले पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे कांग्रेस की सदस्यता ले चुकी हैं। बालाघाट जिला ओबीसी बाहुल है और अधिकतर सीटों पर जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसे देखते हुए भगत के कांग्रेस में शामिल होने को बड़ा झटका माना जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, भगत मेरे साथ संसद में भी रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह कहते हैं कि 1,00,000 लोगों को हर महीने रोजगार मिलेगा, मैं कहता हूं आप जो रिक्त पद हैं उनको ही भर दीजिए। अब यह सिस्टम बन गया है कि पैसे दो और काम कराओ। पटवारी भर्ती में क्या हुआ हम सब ने देखा है और हर जगह यही हालात हैं। प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद बोध सिंह भगत ने कहा कि कमलनाथ सरकार की 1.25 साल का कार्यकाल शानदार रहा है। षड्यंत्र पूर्वक आपकी सरकार गिरा दी गई, बिजली को लेकर अच्छा निर्णय लिया गया था, 100 यूनिट चलाओ और 100 रुपया दो। उससे बिजली भी कम जलती थी। मेरी बीजेपी से लड़ाई नकदी खाद बीज की थी। जिस भ्रष्ट मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है उसे फिर मंत्री बना दिया गया। बोध सिंह भगत के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के बीजेपी नेता राजेश पटेल और प्रदेश कार्य समिति सदस्य और इंदौर के बीजेपी नेता प्रमोद टंडन ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली। अब आगामी विधानसभा चुनाव में देखना यह होगा कि इन बड़े नेताओं का कांग्रेस में आना बीजेपी को कितना नुकसान पहुँचाता है। मंडल में लिए जिस पे लोकायुक्त का केस चल रहा है गौरीशंकर बिसेन, आय से अधिक संपत्ति का, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को निर्देश दिया। चिंता मत करो, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये सब जेल में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे। आपने अल्प समय में 1.25 साल में किसानों का वो कल्याण किया, पूरा कर्जा माफ किया, थोड़ा सा रह गया, समय रहता वो भी बात पूरी होती, अवसर नहीं मिला। भू माफिया पे आपने नकेल कसा, मिलावटखोरों पे नकेल कसा, उनने षड्यंत्र पूर्वक धन बल के आधार पर आपकी सरकार गिराने में पूरा शक्ति लगा दी। लेकिन प्रदेश की जनता फिर आपको अब की बार तो हुजूम पूरे प्रदेश में है। अभी ये वर्तमान मुख्यमंत्री झूठ का पुलिंदा, लफाज, 4 साल तक कहां गए थे? तब लाडली लक्ष्मी याद नहीं आई, तब आशा कार्यकर्ता शाही का, इनका मानदेय सरपंच का, पंचों का ये ध्यान नहीं आया। अब चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना, क्या जीतना है? लोगों को लॉलीपॉप दे दो। लेकिन इस बार प्रदेश की जनता समझ गई है, यदि किसी के बात पे विश्वास किया जा सकता है तो कमलनाथ जी के बात पे विश्वास किया जा सकता है। आज आप अपने अपने क्षेत्र से आए हैं, ये संदेश अपने क्षेत्र में दीजिएगा। ये बुधनी की बात करते हैं, मैं एक बताऊंगा आप, मैं आमंत्रित करता हूं, आप छिंदवाड़ा जाइए, देख के आइए, आपको आमंत्रित कर रहा हूं मैं, छिंदवाड़ा जाइए, देख के आइए, जिन्होंने 44 साल मुझे वोट दिए और बाकी सांसद तो वोट लेके संसद में बैठते हैं, मैं अपनी जनता का प्यार और विश्वास लेके संसद में बैठता हूं। ये बुद्धि का क्या हाल है आप बोलिए, तुलना कर लीजिए, कितने लोग बुद्धि से आप ले जा सकते हैं छिंदवाड़ा, ले जाइए, दिखा दीजिए कि आप रहते पसंद आया। तो ये अंतर है, ये सोच का अंतर होता है, ये भावनाओं का अंतर होता है, ये दृष्टिकोण का अंतर होता है। अभी बोध सिंह जी कह रहे थे मैं प्रदेश की छवि बनाना चाहता था, शुद्ध का युद्ध दिखता, अपने दूध का उत्पादन नहीं उतना हमारा उपयोग होता है, बच्चे मिलावटी मिठाई खाएं, हर चीज में मिलावट। मुझे तो ताजुब हुआ जब मैंने सुना, जब इस पे इंक्वायरी हुई कि पान मसाला में भी मिलावट है, ये भी मैंने सुना।
मैंने कहा ये माफिया, हमारी प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया कि हमारे प्रदेश की पहचान माफिया से ना हो, मिलावट से ना हो, हमारे प्रदेश की पहचान शुद्ध हो। ये मेरा प्रयास था और हम सब मिलके 3 महीने बाद आप सबके साथ प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।